नमस्ते चातुर। पहली तरह का मैंने देखा है बसंत गीत, ये जो कविता है ये कविता हमारी पूरी हुई है और इसमें हमने देखा कि भारतवर्ष में मुख्यतः तीन ऋतु होते हैं, ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत। और ऐसे तीन ही ऋतु में या मौसम में, प्रत्येक मौसम में अपने आने की सूचना यहाँ पर कुछ परिवर्तन के साथ देते हैं और मौसम के बदलाव का गहरा परिणाम जो होता है, प्रभाव जो होता है, ये पर्यावरण पर पड़ता है। और मुख्यतः मौसम के परिवर्तन का प्रभाव प्रकृति, मनुष्य तथा पशु पक्षी इन तमाम के ऊपर पड़ता है। और ऋतु परिवर्तन जो होता है का मूल कारण है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। इस कारण यहाँ पर यह मौसम के अनुसार बदलाव यानी परिवर्तन होता है। और इस तरह से बसंत इस कविता में किस तरह से यहाँ पर प्रभाव हुआ है, बदलाव हुआ है, इस कविता के जरिए हमने देखा है। तो आज हम इस कविता यहाँ पढ़ाने की पूरी हुई है और इस कविता के ऊपर जो प्रश्न उत्तर है वह यहाँ फलक पर लिख कर देता हूँ, आप अपनी कापी में लिखने का है। तो सवाल नंबर एक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति कीजिए। इसमें एक नंबर क्या है, दो दो कली कली करत, कली कली करत, कली कली करत कलोल, कलोल कुसुम, कलोल कुसुम मन मन मुस्कायो। तीन नंबर का है, बन 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 बाग 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 बगियन बगियन में, बगियन में सुगंध, बगियन में मतलब सुगंध, सुगंध उड़ायो। चौथा है, हरी हरी मटर, हरी हरी मटर, हरी हरी मटर टिमटिम ऊपर ऊपर अमित रंग बरसाए, अमित रंग बरसाए। ये हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करने का है, कापी में लिख कर लो। इसके बाद
सवाल नंबर दो, प्रश्न क्रमांक दो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। नंबर एक है इसमें कुसुम कैसे मुस्कुरा रहा है, क्या चुरा रहे हैं। तीन नंबर क्या है, बन बाग में कौन सुहानी सुगंध उड़ा रहा है, चौथा है मोर कैसे नाच रहा है। पांचवा है पीले फूल किसके हैं, छठा है आम के वृक्ष पर क्या छाया हुआ है, ये सब जो सवाल दिए हैं इन सवालों के जवाब अपने कार्य में पूरा करने का है, ये एक वाक्य में सवालों के जवाब लिखने का है। अब आगे लिखते हैं, लिख कर लो। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द जो है सवाल नंबर तीन, प्रश्न क्रमांक तीन, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो, समानार्थी शब्द लिखिए। एक ऋतु का क्या आएगा, ऋतु मौसम, क्या आएगा मौसम।
दो नंबर का कुसुम, कुसुम क्या आएगा समानार्थी शब्द कुसुम का फूल। तीन नंबर का है मधु, मधु का क्या आता है मधु बोरा। मधु बोरा ये हुए और मधु यानी बोरा और मधु यानी शहर। चौथा देखो मधु यानी शहर। ये हुए समानार्थी शब्द। अब लिखिएगा सवाल नंबर चार, प्रश्न क्रमांक चार। कविता में से शब्द युग्म खोज कर लिखिए। जैसे देखो अपनी कविता में शब्द है, एक नंबर का लिखो जैसे मंद। ऐसे शब्द आप घर पर और भी एक कविता में लिखने का है, जैसे बाग पीली हरी। ऐसे जो शब्द युग्म है यह लिखने का है घर पर, समझ गए। यहां पर ये बसंत की जो एक कविता है, इस कविता के ऊपर जो प्रश्न उत्तर है ये पूरे हुए हैं। तो छात्रों ये पूरा स्वाध्याय अपनी कापी में आप घर पर पूरा करने का है, ठीक।